हेलो अस्सलाम वालेकुम। तीन चार दिन से इतने बादल बारिश होने का इम्कान थे लेकिन बारिश हो ही नहीं। अब इतनी गर्मी पड़ चुकी है, इतनी गर्मी के भाई बार बार नहाना पड़ रहा है आपको। ये देखो नीचे धूप कितनी धूप है, कितनी। मैं गर्मी में बाहर निकल ही नहीं सकता। आपसे अंदर ही चलो, घर की सफाई वफाई हो रही है भाई। और दोनों तोतों को साथ रख दिया, लेकिन वो अभी तक बातें नहीं कर रहे। इनसे यही बोले जा रहे हैं, पियूं पियूं, वो बोल ही नहीं रहे कुछ। अभी तक डर रहे हैं वो लोग। दोस्ती नहीं हुई तुम कर रहे हो दोस्ती उनसे? मैं कैसे बात करूं? थोड़ी बातें करो तो तोतों की शक्ल में टें टें करके। नाश्ता भी हमारा आ चुका है भाई, तो नाश्ते में हमारे पास है तंदूर की रोटी और चाय। रोज आप लोग मेरा कुछ ना कुछ नया नाश्ता देखते हैं, कभी बिस्किट देखते हैं चाय, और कभी रोटी के साथ कुछ सालन होता है, लेकिन आज जो है वो रोटी के साथ सिर्फ और सिर्फ चाय है। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मम्मा तोतों से बातें करते हुए, मम्मा की बात सुन रहे हैं और किसी की नहीं सुन रहे, क्योंकि मम्मा खरीद के लाई है ना इनको। देखा, ये देखा, मम्मा की बात सुन रहे हैं सिर्फ ये भाई। इनको पता लग गया कि हमें कौन लेकर आया है। वाह मम्मा, सिटी तो अच्छी बजा रही हो। अभी का सीन ऐसा है कि भाई ये लोग सब जा रहे हैं घूमने फिरने, मम्मा नहीं जा रही, सबा नहीं जा रही, मैं नहीं जा रहा, भैया नहीं जा रहा, टमाटर नहीं जा रहा, बाकी जितने भी है सब जा रहे हैं। भाभी भाभी की बहन, बाजी, फरिया, आधे लोग घर में आधे लोग बाहर। मैं आपको नहीं जा रही इनके साथ। मैं घर में कौन रहेगा? हाँ घर में भी होना है। मैं इसको बोल रहा हूँ उनके साथ चले आओ, थोड़े झूले झूले ना, उनको साथ साथ घुमा फिरा भी देना, लेकिन ये जा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। कहाँ काम से जाना तेरे को? बाहर ले जाऊंगा, थोड़ा घुमा दे। टाइम नहीं है, बड़ा बिजनेस चल रहा है भाई। भाई इसके तो बड़े बिजनेस चल रहे हैं यार। कोई काम दिलवा दो। अबे कोई भी काम दिला दे, मुझे भी दिला दे यार। लोग बोलते हैं कोई जॉब वॉब नहीं करे, काम दिला दे यार प्लीज। वॉशरूम साफ करना है एक जगह वो ये वही काम करता है, पता लग गया वॉशरूम के ठेके। मेरे को काम दिलाओ, मेरे को पता था, मैंने यही काम था। जल्दी जल्दी बोलो सबको आ जाए। आ जाओ भाई जल्दी। आज गाड़ी कोई भी बाहर नहीं है तो आराम से निकल जाएगी हमारी गाड़ी। जब ये हमारे साथ जाते हैं तो गाड़ी यही चलाते हैं, ये पक्के ड्राइवर है पक्के। बैठो भाई, सारे अंदर बैठ गए जल्दी। मुझे बाहर सब्सक्राइबर्स मिल गए और तुम लोग पहले ही बैठ गए। ड्राइवर चलो चलो, ड्राइवर चलो चलो, अरे जल्दी जल्दी चलो भाई, जल्दी जल्दी। तुम लोग का प्लान कैसे हो गया आज बाहर जाने का, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। बोर हो रहे थे हम लोग। अरे कितना बोर होते हो तुम लोग, रोज रोज बोर हो रहे होते हो। अकेले छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब क्या करें, जून जुलाई अब क्या कर सकते हैं। हाँ ये भी है, अब इन लोग कभी वेकेशन आ गई है तो ये लोग तो घूमते फिरते रहेंगे भाई। हमारा तो कभी मूड होगा तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये लोग तो घूमते रहेंगे भाई। अब ये आ गया भाई पीएफ म्यूजियम। इन्होंने सोच लिया कि अच्छी जगह जाना है ताकि ये म्यूजियम जाके देखे, कुछ तो अच्छा सौदा इन लोगों ने। चलो शुक्र हमने म्यूजियम नहीं सोचा। मैं भी कितने टाइम से पता ही नहीं आया म्यूजियम वगैरह। जाना कहाँ से? जाना कहाँ से अभी? अरे इधर दो रास्ते, देखो बोर्ड पे लिखा होगा पार्किंग चार्जेस पीएफ म्यूजियम। अबे चार्जेस लिखे हुए ये नहीं बताया किधर से, शायद नीचे से जाना होगा। उधर चले आए तो बाहर वापसी। कोई बात बताऊं? आप बोलो ना म्यूजियम के लिए आए, हम तो झूला झूलने के लिए आए। क्या सोचा है, क्या सोच रखा है भाई? क्या मैं समझा कि म्यूजियम जाएंगे, अंदर कुछ देखेंगे, जहाज वहाज की हिस्ट्री वगैरह देखेंगे, लेकिन ये तो झूला झूलने के लिए आए। ये तो गलत किया भाई, म्यूजियम के अंदर झूले वूले डाल दिए बच्चे, तो म्यूजियम छोड़ के झूले झूलने आए। हम जब आएंगे तो हम म्यूजियम जाएंगे भाई, मैं सभा भाभी तुम आएंगे। सही है पूरा इनको छोड़ कर आएंगे ना, अब छोड़ कर आएंगे इनको। शुक्र पता लग गया पहले ही। मेन गेट कहाँ पर है? कहाँ है गेट, कहाँ है गेट, कहाँ है? हम लोग बहुत टाइम बाद आए, बहुत छोटे छोटे शायद जब आए थे तो रास्ता ही नहीं पता हमें, पूरा मेन गेट। हेलो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, अल्लाह हाफिज़। मजे करने के लिए जा रही है भाई, छोड़ कर आज अकेले अकेले छोड़ कर मुझे। आज आप भी चलो। अरे यार नहीं जा सकता ना, मुझे भी सब डॉक्टर के लिए जाना है। अरे हाँ चलो लाजमी जाना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सब साथ आएंगे इंशाल्लाह। चलो अभी तुम लोग एंजॉय करो। ओके जल्दी जल्दी बात, मतलब अबे कॉल कर लेना जब। ओके बाय, क्या हुआ क्या हुआ? हमें सब के साथ जाना है भाई डॉक्टर के, जब ही हम नहीं जा रहे वरना हम लाजमी जाते हैं हम, और एडवेंचर ना करें ना मुमकिन है। आ जाओ, ये खड़े इतने बड़े बड़े जहाज, हम आएंगे इधर लाजमी आएंगे। मेरी लिस्ट के अंदर से ना ये नाम निकल गया था बार पीएफ म्यूजियम। मैं बेले डाउन जा रहा, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा, लेकिन ये लिस्ट से नाम निकल गया था तो इधर भी लाजमी आऊंगा। बहुत टाइम से यार फ्रूट वरूट लेने नहीं गए हम, फ्रूट भी बहुत सारे आए हैं, वैसे तो हम फ्रूट लवर हैं, तो अभी चलते थोड़ा सा फ्रूट लेते हैं, देन उसके बाद जाएंगे घर ताकि मॉम भी खुश हो जाए। मॉम को जब भी फ्रूट लेके देते हैं तो मॉम बड़ा खुश होती है। इधर इतना रश क्यों है भाई? ट्रैफिक इस वजह से क्योंकि दो दिन से चेस पे आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं हो रहा था। इतना दूर आ गए उधर, इतना दूर अभी शायद बुझ गई। अभी हम वहाँ जा सकते हैं? नहीं 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 जा सकते, रोड ब्लॉक करा हुआ है। सुबह में आया था तो ट्रैफिक इतना कुछ हद नहीं, अभी तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम है क्योंकि सब अंदर से निकल रहे हैं। आ गए भाई फ्रूट मार्केट, चीली 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 चीली, यहाँ तो भाई देखी नहीं रही।
अबे ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई। अभी आप लोग को भी शौक करता हूँ और खुद भी शौक होता हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कितने की लीची है? 800 रुपए किलो। ओ, इनके सामने शौक वाले रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ अभी आगे जाके शौक होते हैं। 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो सर जी लीची। 800 रुपए किलो। अभी आगे देखते ढूंढते पहले जी। तो चाहिए नहीं लेकिन सबर करो, 100 रुपए दो। ये लो, ये जो बच्चे मांग रहे ना इनमें भी किस्में है। मैं आपको सच बता दूं क्योंकि मैं रोडों पे बहुत घूम रहा हूँ ना। इनके जो बड़े हैं उनके पास अल्लाह ने हाथ भी दिया पाँव भी दिया लेकिन वो काम नहीं करते। लेकिन ये जो बच्चे है ना ये मेहनत कर रहे हैं, ये लाजमी मुझे दे देता। अगर मैं इससे बोलता ना मुझे ये दे दो पैसे देगा तो दे देता। तो मैंने बोला कि ये तुम ही रखो बस, पैसे भी ले लो, बच्चों को दे दिया करो। तो मान लो भाई दूसरी जगह। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप बताएं ये लीची क्या हिसाब दे रहे हैं भैया? 600 रुपए किलो लगा देंगे, वैसे तो 800 बेचे। 600 में लगा देंगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। यही कम कर सकते हैं या और भी थोड़ा बहुत? मुनासिब, ये मुनासिब है। ये भी आपके लिए रोजाना वीडियो देखते हैं आप। अच्छा देखते हैं, अरे खुश हो गया भाई भाई, थैंक यू सो मच। फिर मैं आपसे ही लेके जाऊंगा। रमजानों में आए थे ना? रमजानों में भी आया था बिल्कुल, मेरी बहन ने बताया था। अच्छा, अरे सलाम दिएगा सबको घर में। लेने हम लीची आए थे लेकिन भाई से ले लिया थोड़ा बहुत ज्यादा सामान। वो लोग 800 दे रहे थे, इन्होंने 600 दिया है। भाई ने जामन में गिफ्ट दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। ओए डायरेक्ट खा गए, अंदर ही लगा दी गाड़ी। आ जाओ। अरे ये बेल कैसे बजाऊं? अरे इससे बजानी पड़ेगी मुक्के से। मॉम के लिए सरप्राइज फ्रूट्स। मैंने बोला नहीं बनते लेकिन मुझे पता है ना आपको फ्रूट से खुशी होती है। मुझे पता है मोमो किस से खुशी होती है, तो वही चीज लेकर आया। लोगों ने कमेंट्स कराए कि जो तोते हैं ना आप बड़े पिंजरे में रखे हैं, छोटे में नहीं रखे हैं। हाँ छोटे में नहीं रखे हैं, इनके जितना पिंजरा हो। हाँ मसला ये है कि शायद इन्होंने अंडे दिए हुए, नहीं तो इनको चेंज इस पे नहीं करेंगे ना, इनके लिए फिर अलग से बड़ा पिंजरा आना पड़ेगा। रखेंगे जगह नहीं है ना, मतलब जिस तरह इधर रखा हुआ देखो इस तरह इधर रख देंगे। अभी ये इतना आ रहा है तो वो इतना आ जाएगा। जरूरी नहीं है हम इनको इसमें डाल देंगे ना वाले तोतों। नहीं ना दूसरा ले लेंगे मॉम, बड़ा ले लेंगे। हाँ सही है ना, चलो ठीक है देखते हैं। वैसे मॉम जा रही है कि भाई इसको इसमें शिफ्ट कर दो, इसको उसमें। अब उसने बच्चे दिए, लेकिन इसमें बच्चे दिए हैं फिर तोड़ देंगे अगर इसको निकालेंगे। हमें पता नहीं है लेकिन मेरी मॉम को नहीं समझ आ रहा भाई। मैं बोल रहा हूँ बड़ा पिंजरा ले आऊंगा, सही है, मानी नहीं रही बिल्कुल। थोड़ी देर में भाई अब जाएंगे हम लोग डॉक्टर के या सभा में जाएंगे अंदर, मैं बाहर वेट करूंगा भाई बाहर। क्या सरप्राइज? देखो मैंने कहा था मैं अपना जुगाड़ कर लूंगी। मैंने अभी फिलहाल के लिए फोन लिए हुए है तो ये बहुत छोटा, मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है यूसीएल में, पर अभी फिलहाल के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब तक नहीं आ रहा तब तक इससे गुजारा कर लेते हैं। नहीं दिलाऊंगा तो मैंने भाई ये तो मुझे मुझे बता के नहीं गई और मुझे बताए बगैर ले लिया फोन। कितने का लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया? पैसे नहीं बताते, मतलब किसके पैसों से लिया? अपने ईदी के पैसों से लिया है। ईदी के पैसों से? बस सही है, अब कोई फोन भी नहीं लेंगे सबा के, सबा ने ले लिया फोन। तो बस मैंने सोचा था कि मैं लाऊंगा इसको, आपको कल बताया था, लेकिन अब मैं नहीं, अब ये खुद ही लिया है। मम्मा आपको कैसे लेने? मैंने यही बोला था कि तुम रहने दो, ये खुद ही ले लेगी अपने लिए छोटा सा, मतलब। अच्छा मैं रहने दू? ये चीज मोम जी भी चले गई होंगी, सबा को लेने दो छोटा फोन। सही बात है, यूज करें अब, दिखाओ चल तो रहना, दिखाओ दिखाओ। मैंने इसमें अपनी सारी चीजें डाउनलोड कर ली जो जो मुझे चाहिए थी, आप गए हुए थे, मैंने सारी चीजें डाउनलोड भी कर ली। बस सही है ना, चल रहा है तो चलाओ। ये मुझे क्या चल रहा है? बिल्कुल आईफोन 13 या 14 की तरह? नहीं ऐसा नहीं चल रहा, 14 की तरह वैसे तो चल रहा, चल रहा है ना, आईफोन तो है ना, आईफोन तो है। बस ठीक है, बस ठीक है, अब इसका यही फोन रहेगा जिंदगी भर, खत्म। बताओ नीचे आ जाओ। पहुंच गए भाई अपॉइंटमेंट, आप लोग को छोड़ दूंगा खुद बाहर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं भी आ गया। अंदर आना था ना जरूरी है ना। A few moments later, बात होने वाली है बाहर और अंदर हमें इतना लेट हो गया कंसल्ट की वजह से डॉक्टर के साथ। ऑल गुड ऑल गुड। दवाइयाँ ये भी ले लिया, जो मकई वाला नहीं है। कहाँ है? अरे आ गए आ गए, हमारी गाड़ी इसके पीछे है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दवाइयों को हम रख देते हैं भाई पीछे। शादी के बाद की लाइफ बहुत चेंज है यार, लोगों को लगता है बहुत ईजी है शादी करना, बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं यार, लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बस ये एक्सपीरियंस है आपका जो आपको मिल रहा है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे ना अपनी बहुत ज्यादा एज से, आज से कुछ 10-20-30 साल बाद जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बताओगे कि भाई ये होती है लाइफ, ये होती है, व्लॉग देख लोगे ना जब ये लेंगे आपके।
आपके काम है। सो मैंने मंगाए भाई सादे सादे अपने, भाई सारे काम से फ्री, अब चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। यहीं से ले। सामने आगे तो भाई आग लगी हुई थी, यहीं से चलते हैं। चलो चलो उतरो, सब उठा के लेके जाना, ये खा लो, आ जाओ खा लो। पता नहीं खाते भी नहीं खाते ये। जाओ भाभी, भाभी को लेकर आओ, फरिया को लेकर आओ। बिल्कुल अभी फोन आया, मैंने बोला कि ये लोग आ रहे हैं, पीछे खड़ी करिए गाड़ी, बाहर ही जाओ। तब तक मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर इतनी देर हो गई हमें, हम गए हुए 5:30 के, 8 बजने वाले। कोई आया है, क्या हुआ? खत्म। क्यों? तुम तो टांग की दर्द कर रही हूँ, बहुत थक गई मैं। क्यों भाई? एक झूले बैठने, उसमें टांगे इतनी दर्द कर गई और थक भी बहुत गए। और जाओ अकेले। लेकिन मजा बहुत आया। आया मजा भाई? कहाँ पे टांग रही है? अकेले गए थे, थक कर आ गए, बोल रहे भाई बहुत झूले। कब से गए थे ये लोग? 4:30 से, और अभी आए 8:30। वाह भाई वाह। खाना बाहर से मंगाना पड़ा हमें भाई, खाने में मलाई बोटी और पराठे। नहीं नहीं भाई, कबाब भी है। अपनी प्लेट तो मैं अलग ही बनाऊं। और ये आ गई मेरी थोड़ी सी मलाई बोटी, निकालते हैं इसको भी। आजा और आजा मेरा पराठा, तो खाते हैं भाई फटाफट से खाना। खा लिया भाई खाना, बहुत स्पाइसी था, बहुत ज्यादा। आंसू और नजरा सब निकल गया, पापा भी आ गए। सुन पापा, इस ब्लॉग को एडिट करते, पता नहीं छोटा है बड़ा है जो भी है, हमें पता नहीं लगता कि हमने कितना ब्लॉग बना दिया है, एडिट के बाद पता लगता है। सो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय। मोबाइल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। ओ भाई साहब, मोबाइल उन्होंने ले लिया उनका, बड़ा मस्त मोबाइल चल रहा है, तो जरूरत ही नहीं होगी अब तो, होगी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पानी आ यार, बस रहा, बंद कर दो। हाँ तो तुम बोल के भाग जाओ, तू बंद करूँ मैं। बाय।